Morning students, today our English class. So I will start your English grammar subject. In last video I explained you about four kind of sentence: declarative, interrogative, imperative and exclamatory. Today I will discuss in detail. आज मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी आपको कि व्हाट इज डिक्लेरेटिव. मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी. कोई भी स्टेटमेंट देना, कुछ भी चीज को बताना, जैसे टुडे इज मंडे, वी आर गोइंग टू मार्केट टुनाइट, हम आज ऐसा कर रहे हैं, वो सब क्या होता है? डिक्लेरेटिव, डिक्लेयर करना है ना, स्टेटमेंट देना. जैसे आई लाइक आइसक्रीम, अब ये सेंटेंस डिक्लेरेटिव तो है, बट क्या है इसमें? अफर्मेटिव. अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक, है ना, कि हाँ उसको आइसक्रीम अच्छी लगती है. डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर टू टाइप, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. तो आपको मैं डिफरेंस बता रही हूँ क्या होता है इसमें. क्या है कहीं पर डोंट या नो, डिड नॉट, कुछ भी नहीं आया है ना, डू नॉट. तो ये क्या है? आई लाइक आइसक्रीम मतलब मुझे आइसक्रीम पसंद है, नहीं ऐसा कोई शब्द इसमें नहीं आया. तो ये क्या हो गया? अफर्मेटिव. और हम कैसे जानेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है? आई डोंट लाइक आइसक्रीम, यहाँ पर क्या आया है? डोंट, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है. तो जहाँ भी नहीं आएगा दैट इज नेगेटिव सेंटेंस, जहाँ पर हाँ है वहाँ पर अफर्मेटिव, है ना, आपको समझ में आया ना. तो कौन सा है एग्जाम्पल ऑफ डिक्लेरेटिव? जैसे टुडे इज वेरी हॉट डे, आज कैसा दिन है? गर्मी का दिन है, है ना. अभी मैंने बोला इट इज नॉट रेनिंग टुडे, तो ये कौन सा हुआ? डिक्लेरेटिव तो है, बट कौन सा? नेगेटिव, क्योंकि इसमें क्या आया? आज बारिश नहीं हो रही है. तो आपको डिफरेंस पता चला ना. नाउ वी कम टू इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव मतलब जहाँ पर कुछ क्वेरी हो, आस्किंग हो, कुछ क्वेश्चन रोज हो, इरेज हो, है ना, आपके आज ऐसा है क्या, तुमने ऐसा किया, वैसा किया, और इसको हम इजीली क्वेश्चन मार्क से समझ सकते हैं. व्हाई आर यू क्राइंग, इसमें क्या पूछ रहे हैं ना कि तुम क्यों रो रहे हो, है ना. तो ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव तो हम स्कूल में आप देखते हैं ना, आपके टीचर आपसे बाद में पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, ऑल दीस सेंटेंस आर इंटरोगेटिव. Do you like ice cream? इसमें भी क्या पूछा है? क्या आपको ice cream पसंद है? तो these are the example of interrogative. Now come to the third one. Imperative. Imperative क्या होते हैं? जिसमें हम किसी को कोई command दे या फिर order दे या request करे. All those sentences are imperative. जैसे इसका भी आपने मैं आपकी मैम आपको बहुत सारे commands देती है ना, तो और दो सेंटेंस आर इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना. कैसे? डोंट टॉक, टीचर आपको बोलते हैं ना क्लास में डोंट टॉक, तो किसका एग्जांपल है? इम्पेरेटिव का. और यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑर्डर, है ना, ऑर्डर दे रहे हैं ना कि बात मत करो. तो क्या हो गया ये? इम्पेरेटिव सेंटेंस बट एग्जांपल ऑफ ऑर्डर. प्लीज हेल्प मी, अब यहाँ प्लीज आ गया तो क्या है इधर? रिक्वेस्ट, है ना. तो कोई आपके फ्रेंड आपको बोलते हैं ना कि हेल्प करो, तो उनको हेल्प चाहिए तो हमेशा ऑर्डर तो देंगे नहीं कि ए हेल्प मी, ऐसा बोलेंगे? नो, है ना. कैसे बोलेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज हेल्प मी, प्लीज शो मी दिस पिक्चर, प्लीज कम विद मी, है ना. तो ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वेस्ट. अभी थर्ड वन, डोंट ट्रस्ट ऑन स्ट्रेंजर्स. आपके जो पेरेंट्स, एल्डर्स, टीचर्स आपको एडवाइस देते हैं, एडवाइस क्या होता है? सलाह देना, है ना, कि डोंट गो आउटसाइड. अभी कोरोना फैला है तो आपको बोलते हैं ना कि डोंट गो आउटसाइड, तो ये क्या है? सलाह दे रहे, एडवाइस दे रहे, अदरवाइज यू विल कॉच विद कोरोना, है ना, कोरोना हो जाएगा. और क्या बच्चों को सबसे ज्यादा सलाह क्या दी जाती है, एडवाइस क्या देते हैं? डोंट ट्रस्ट ऑन स्ट्रेंजर्स. स्ट्रेंजर्स कौन होते हैं? अजनबी, है ना. तो जो छोटे बच्चे होते हैं या मतलब बड़े बच्चे, आजकल तो हर किसी के लिए सलाह बहुत जरूरी है कि किसी को भी स्ट्रेंजर्स पर, अजनबियों पर ट्रस्ट नहीं करना है.
कोई आपको बोल रहा है कि आपकी मम्मा वहां खड़ी है आ जाओ, तो आप चले जाओ, तो ऐसा नहीं करना, डोंट डू दैट, है ना। ये क्या है, एडवाइस से समझाया था। इंपेरेटिव आर थ्री टाइप्स, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। नाउ लास्ट वन, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, जो हम अपनी फीलिंग्स को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ एक्सप्रेस करते हैं ना। जैसे जब आप कोई मूवी देख के आए, हम आपको मूवी दिखाने ले जाते हैं, लास्ट टाइम लेके गए थे, तो आपने जैसी मूवी देखी क्या निकलता है, व्हाट अ लवली मूवी, है ना। तो ये किसके साथ बोला हमने, जॉय के साथ, है ना। ये हमारी कौन सी फीलिंग है, जॉय मतलब खुशी की फीलिंग, कि हमको मूवी क्या बहुत अच्छी लगी, है ना। अभी सेकेंड, अगर आप जूर आएंगे तो वहाँ पर आप डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स देखते हैं। तो आपने जैसे वहाँ पर एक व्हाइट पिकॉक देखा, वो मतलब कुछ भी अलग देखा जो आपने नहीं देखा नॉर्मली, तो सरप्राइज हो जाते ना, सरप्राइज। तो क्या फीलिंग आती है, वाओ ब्यूटीफुल व्हाइट पिकॉक, हमेशा क्या वाओ, जब हमको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो हमारे पास नहीं, पेरेंट्स कभी हमको अनएक्सपेक्टेड दे दे, तो वो क्या होता है, सरप्राइज होता है ना। तो हमारे एक्सप्रेशन क्या हो जाते हैं, वाओ ग्रेट, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो दैट इज सरप्राइज फीलिंग। ऊपर वाली क्या थी, जॉय फीलिंग, ये सरप्राइज फीलिंग। लास्ट वन सैड फीलिंग, और जब हम सैड होते हैं तो तब भी हमारे एक्सप्रेशन चेंज होते हैं ना, जैसे हमको लग जाएगी तो लग गए, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, ऐसे निकलता है ना, तो यही है ना सैड फीलिंग। ओह नो आई एम लेट, जब आप स्कूल लेट हो जाते हो तो थोड़ा दुखी हो के कैसे बोलोगे, ओह नो, ऐसे तो नहीं बोलोगे ओह नो आई एम लेट, है ना, कभी ऐसे बोलते हो। तो जो हम फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं वो किसमें आती है, एक्सक्लेमेटरी, है ना। तो आपको सारी सेंटेंस और उसके एग्जाम्पल्स समझ में आए अच्छे से। अभी आप क्या करना, घर पे भी थोड़ा ट्राई करना ऐसे सेंटेंस के एग्जाम्पल्स लिखने के, और